गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमलता सैनी। आज हम बी एड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तकों में अंतर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा सत्र 2018 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक व संदर्भ पुस्तकों में अंतर से संबंधित प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न 250 शब्दों का उत्तर में देना है। आज हम इसी की डिटेल में स्टडी करते हैं कि आपको किस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक में अंतर, इनके अंतर देखने से पहले हम पाठ्य पुस्तक है क्या और संदर्भ पुस्तकें हैं क्या, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं पहले, उसके बाद में इन दोनों का अंतर आप लोगों को समझ में आएगा। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक को पुस्तक किताब भी कहते हैं। साथ ही यह पाठ्य पुस्तक लिखित एवं मुद्रित पन्नों का संग्रह है, यानी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे पृष्ठ हैं जो लिखित रूप में होते हैं या प्रिंट के अकॉर्डिंग होते हैं और उनको बाइंड कर दिया जाता है। इसी प्रकार डिजिटल रूप में जो बुक्स अवेलेबल है उसे ई बुक्स कहते हैं, और जिन बुक्स को हाथों द्वारा लिखा जाता है उन्हें हम पांडुलिपियों भी कहते हैं। इस प्रकार पुस्तक एक स्थूल पदार्थ के रूप में सामान्यतः आयताकार पृष्ठों का एक पुलिंदा है जिसे कागज, पेपिरस, चर्म पत्र या भोजपत्रों से निर्मित किया जाता है और एक और बांध कर या सिलाई करके दृढ़ता प्रदान की जाती है ताकि सरलता से इसकी कंटिन्यूसली स्टडी की जा सके। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक एक ज्ञान का भंडार है जिसमें मनुष्य ने अपने पुरातन काल से लेकर आधुनिक काल तक के जितने भी ज्ञान है उनको संचित करके रखा हुआ है। हर राष्ट्र के विकास में मानवीय संसाधनों का बहुत योगदान है और मानवीय संसाधनों के विकास पर ही राष्ट्र का विकास भी निर्भर करता है। पुस्तकों में जितना भी संचित ज्ञान है, जो अधिकार, कर्तव्य, जागरूकता, समस्याएं, समाधान, स्वतंत्रता आदि का बोध कराता है, यह ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही जितने भी हमारे देश में या विदेशों में महान शिक्षाविद, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा शास्त्री, विद्वान आदि जितने भी हुए हैं, उन्होंने इस संचित ज्ञान जो पुस्तकों में है इनको पढ़कर ही अपने आप में यह विद्वता हासिल की है। इस प्रकार पुस्तक या पाठ्य पुस्तक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में आपस में समायोजन स्थापित करने का कार्य करती है। अब पाठ्य पुस्तक की परिभाषा है, क्रॉनबैंक ने लिखा है कि अमेरिका में आज की चित्र का केंद्र बिंदु पाठ्य पुस्तक है, यानी आज अमेरिका ने जितना भी विकास किया है उस विकास का मूल आधार पाठ्य पुस्तक है जिसमें वो ज्ञान संचित है और मानव संसाधन ने उस ज्ञान को अर्जित करके ही अपने उस देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसी प्रकार ऑल द बेस्ट ने भी कहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हेनरी हेरप ने भी कहा है कि पाठ्य पुस्तक एक मुद्रित संदर्शिका है जो ये बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। पाठ्य वस्तु की तैयारी पाठ्यक्रम विकास के कार्य की एक तर्कसम्मत सोपान है कि पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए सबसे पहले जो पाठ्यक्रम है उस विषय का उसके कुछ विकास के सोपानों से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से विषय वस्तु इंक्लूड होगी वह नियोजित की जाती है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं क्या होगी जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक होने के कुछ निर्धारित मानदंड भी है, अब हम उनको देखते हैं।
कि यह पुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी हो, लेखक अनुभवी और पारंगत व्यक्ति हो, इसका उचित मूल्य हो जिसे छात्र या व्यक्ति आसानी से परचेस कर सके। पुस्तक में विषय सूची यानी इंडेक्स और संदर्भ ग्रंथ सूची पीछे दी गई हो, देखने में सुंदर सुग्रा है, स्पष्ट छपाई, शुद्ध रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र, उदाहरण बहुत अधिक मात्रा में हो, बालकों के स्तर अनुकूल हो, चित्र अधिक से अधिक स्पष्ट और रंगीन हो, पाठ्यक्रम के सभी अंगों का भली भांति से विवेचन किया हो गया हो, प्रश्न वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य एवं तकनीकी दृष्टिकोण से शुद्ध हो, अंत में क्रियात्मक कार्य भी बच्चों के लिए दिया गया हो, उसका आकार और आकृति उपयुक्त हो, समय समय पर आवश्यकता अनुसार समाज की या राष्ट्र की मांग के अनुसार उसका संशोधन किया गया हो, छात्रों हेतु आसानी से उपलब्ध हो, योजना संव्याव यानी आपस में विषयों को सह संबंधित करते हुए उसमें जो भी स्टडी लिखी हुई है, जो भी विषय वस्तु या कंटेंट दिया हुआ है वो इस प्रकार से समवाय वाला हो, गृह कार्य, कक्षा कार्य तथा विषय से संबंधित प्रायोगिक कार्य भी उसमें हो, विधियों तथा छात्रों हेतु पर्याप्त अभ्यास पर बल दिया जाए ताकि बच्चे स्वाध्ययन कर सकें, सरल से कठिन के सिद्धांतों पर पाठों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण हो, कक्षा विशेष के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुकूल हो, पाठ्य पुस्तक सामग्री का आयोजन मनोवैज्ञानिक ढंग से और तार्किक क्रम हो, विषय से संबंधित क्रियाओं के संकेत हो, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रयासों को सफल बनाने वाली हो और शिक्षण के विकास में प्रभावशाली साधन हो, साथ ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तर्क संगत ढंग से विचार करने की आदतों का विकास करने वाली हो और नियमित अध्ययन की आदतों का विकास करें, साथ ही उदाहरण तथा अभ्यास प्रश्नों के संग्रह हेतु पाठ्य पुस्तक सहायक है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक और बालक दोनों का एक महत्वपूर्ण साथी है जो दोनों को उचित रूप से मार्गदर्शन प्रदान करता है, खाली समय के सदुपयोग करता है और दोनों के ही ज्ञान में वृद्धि करता है। संदर्भ पुस्तकें कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के लिखी जाती है। इसका निर्माण परामर्श के लक्ष्य से किया जाता है। कुछ निश्चित वस्तुओं, तथ्यों और जानकारी का इसमें संग्रह होता है। ये जानकारी बड़ी संख्या में विभिन्न स्रोतों से लेकर के विद्वान लोग या व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। इसमें ज्ञान और तथ्यों की विविधता होती है। सूचनाओं को व्यवस्थित इस प्रकार रूप से किया जाता ताकि सूचनाएं जल्दी से याद हो सके। यह व्यवस्था कुछ तरीकों और नियमों का पालन करती है, जैसे कि वर्णमाला अल्फाबेटिकल है, वर्णाक्षर है AI के अनुसार या क्रोनोलॉजिकल उसको लिखा जाता है। यह विषयों के विचार, तथ्य आदि को गहराई से जानने के उद्देश्य से लिखी जाती है। इसमें तथ्यों का ही ध्यान केंद्रण किया जाता है। जानकारी वांछित एवं व्यवस्थित होती है। इस प्रकार से कुछ संदर्भ पुस्तकों के उदाहरण इस प्रकार है, जैसे तथ्य और आंकड़े जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जारी किए जाते हैं, नक्शे का संग्रह, बिब्लियोग्राफी जो किसी किताब में उस विषय से संबंधित लेखों और किताबों की सूची होती है, बायोग्राफी इसमें प्रमुख और उल्लेखनीय व्यक्तियों के जीवन पर आधारित होती है, शब्दकोश आपने डिक्शनरी देखी है उसमें परिभाषाएं, वर्तनी, उपयोग से इत्यादि शब्द होते हैं, डाइजेस्ट यानी सारांश, डायरेक्टरी जिसमें लोगों के एड्रेस और प्लेसेस की जानकारी होती है, एनसाइक्लोपीडिया जिसके बहुत सारे वॉल्यूम्स होते हैं विषय के अनुसार जो व्यापक अवलोकन करके विद्यार्थी उसका लाभ उठा सकते हैं, गजेटियर्स होते हैं जो ज्योग्राफिकल जानकारी प्रदान करते हैं, हैंडबुक्स होती है जो किसी विषय पर आसानी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनती है, और मैनुअल्स होते हैं जिसमें किसी टेस्ट से रिलेटेड उस टेस्ट को किस प्रकार से अप्लाई करना है उसकी जानकारी हेतु निर्देशिका गाइड होती है, साथ में सांख्यिकी होती है जो मात्रात्मक रूप में जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं ये भी संदर्भ ही है, और ट्रेजर्स होते हैं यानी समानार्थी शब्दकोश जिसमें उस शब्द से रिलेटेड समानार्थक शब्दों को हम देख सकते हैं, और लास्ट में है ईयर बुक जो पिछले सालों की जानकारी हमें अपडेट करके हमारे सामने पूरे साल का ब्यौरा प्रस्तुत करती है।
इस प्रकार से ये संदर्भ पुस्तकें बहुत ही उपयोगी है। पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकों में अंतर इस प्रकार है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रख कर लिखी जाती है, जबकि संदर्भ पुस्तकें कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को के आधार पर लिखी जाती है। दूसरा, इसमें ज्ञान के लक्ष्य से निर्माण या लेखन किया जाता है। इससे संदर्भ पुस्तकों में परामर्श के लक्ष्य से इसका निर्माण या लेखन कार्य किया जाता है। तीसरा, इसमें विषय वस्तु की विस्तृत जानकारी ज्ञान के स्रोतों एवं अनुभव के आधार पर लिखी जाती है, और संदर्भ पुस्तकों में निश्चित वस्तुओं, तथ्यों, विचारों की जानकारी ज्ञान के स्रोतों के आधार पर लिखी जाती है। पाठ्य पुस्तकें एक विषय से संबंधित पाठों का संकलन है, जबकि संदर्भ पुस्तकें जानकारी और तथ्यों की विविधता के आधार पर लिखी जाती है। पांचवा, इसमें तथ्य, विचार, सूचनाएं जल्दी याद नहीं, केवल ज्ञान और समझ के उद्देश्य तक ही सीमित रहती है, जबकि संदर्भ पुस्तकें सूचना की इस प्रकार से व्यवस्था होती है जिसमें तथ्यों को जल्दी से याद किया जा सके। नेक्स्ट, इसमें पाठ्य पुस्तक क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। ये सरल से जटिल सूत्र के आधार पर लिखी जाती है, जबकि पाठ्य पुस्तक व्यवस्था के कुछ नियमों का पालन करती है, जैसे वर्णमाला, अल्फाबेटिकल, क्रोनोलॉजिकल आदि। पाठ्य पुस्तकें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बालकों की रुचि, योग्यता, आवश्यकता, उनके भावी जीवन के आधार पर लिखी जाती है, जबकि संदर्भ पुस्तकें विषयों के विचार, तथ्य आदि की गहराई के आधार पर लिखी जाती है। पाठ्य पुस्तकें बाल केंद्रित और क्रिया केंद्रण को आधार रख के लिखी जाती है, जबकि संदर्भ पुस्तकें तथ्यों के पर ध्यान के आधार पर लिखी जाती है। लास्ट पॉइंट है, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है, जबकि संदर्भ पुस्तकें वांछित और व्यवस्थित जानकारी से संबंधित होती है, जिससे व्यक्तियों का ज्ञानात्मक विकास हो सके। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक दोनों में व्यापक रूप से अंतर है। आज का होमवर्क इस प्रकार है, पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकों से क्या आशय है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आई होप ये मैटर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि ये नेट से सर्च करके लिखा गया है, बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। थैंक यू।